चंदौसी नगर पालिका परिषद ने सफाई निरीक्षक प्रियंका के साथ नगर में पॉलीथिन को लेकर चेकिंग अभियान चलाया, जिसमें सख्त निर्देश देने के बावजूद नहीं मानने पर दुकानदारों से पॉलीथिन जब्त की गई और जुर्माना वसूला गया। बताते चले कि सरकार ने पॉलीथिन के प्रयोग पर सख्त पाबंदी लगा रखी है, जिसको लेकर नगर पालिका परिषद समय समय पर चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को सजग और जागरूक कर रही है। इसके बावजूद दुकानदार हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। सफाई निरीक्षक प्रियंका सिंह के नेतृत्व में पॉलीथिन चेकिंग अभियान चलाया गया, जिसमें सब्जी विक्रेता और दुकानदारों से पॉलीथिन जब्त की गई और जुर्माना वसूला गया। चेकिंग अभियान के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए प्रियंका सिंह ने बताया कि लगातार मिल रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए नगर पालिका परिषद की ओर से चेकिंग अभियान चलाया गया है, जिसमें सब्जी विक्रेता और दुकानदारों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे पॉलीथिन का प्रयोग न करें। कुछ दुकानदारों के पास से पॉलीथिन मिली, जिसको जब्त कर लिया गया है और जुर्माना भी वसूला गया है। आगे भी चेकिंग अभियान जारी रहेगा और नगर के लोगों को हम जागरूक करते रहेंगे। आज आपने पॉलीथिन अभियान चलाया है, जिसमें आपने जुर्माना काटा है, कुछ पॉलीथिन बरामद भी किए हैं, इसमें क्या कहेंगे आप? सर, शासन आदेश के क्रम में लगातार पॉलीथिन अभियान चलाया जा रहा है और आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि हमें पूर्णतः पॉलीथिन मुक्त करना है चंदौसी। तो आज देखा है कि आज भी जो है कई जगहों पर हम लोगों ने पॉलीथिन जब्तीकरण किया है और काफ़ी मात्रा में पॉलीथिन पकड़ी भी गई है, लेकिन